चटपटी और तीखी जायके की तो बात ही कुछ और है। यस फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू गूगल केयर। आज हम लोग दही बैंगन बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लिया जाए। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लोग 3 छोटे आकार के हरा बैंगन, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, 1 बॉल कर्ड, पंचफोरन, शुगर जो कि ऑप्शनल है, ब्लैक सॉल्ट, करी लीव, 2 पीस रेड चिल्ली, 2 पीस ग्रीन चिल्ली और हल्दी पाउडर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रिपरेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ड को एक बाउल में ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट डालते हैं। उसके बाद इसमें शुगर हम लोग डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। उसको डालने के बाद इसमें हम लोग पानी डालते हैं और इसके थिकनेस को पतला करते हैं। उसके बाद बैंगन को हम लोग इस साइज़ में काट लेते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग मैरिनेट करने के लिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट को अच्छी तरीके से डालने के बाद उसे मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे के प्रिपरेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑयल को हीट कर लेते हैं। जब ऑयल हीट हो जाए तो उसमें हम लोग मैरिनेटेड बैंगन जो कि पहले से रखा हुआ है उसे एक एक करके डालते हैं। उसके बाद इसे धीरे धीरे चलाते रहते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए और इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करते हैं और बीच में इसे टॉस भी करते हैं ताकि यह बर्तन से चिपक नहीं जाए। और इसे बीच में आधा से 1 मिनट तक ढक सकते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा इसे स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद जब यह गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे समझ लेना चाहिए कि यह बैंगन आपका फ्राइड हो चुका है। और इसे हम लोग साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग टेम्परिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑयल को हीट करते हैं, उसमें पंचफोरन को डालते हैं। जब पंचफोरन फूटने लगे तो उसमें हम लोग रेड चिल्ली को ऐड करते हैं। रेड चिल्ली को ऐड करने के बाद उसमें करी लीव को डालते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रीन चिल्ली को ऐड करते हैं और उसके बाद हल्का सा इसे चला लेते हैं। चलाने के बाद जब यह पंचफोरन तैयार हो जाए तो उसमें हम लोग बैंगन जो हम लोग का पहले से फ्राइड है उसको इसमें डाल देते हैं। इसे आधा मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग पहले से तैयार दही में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा चटपटा और तीखा दही बैंगन तैयार है जो कि बहुत ही टेस्टी है। और आप इसे सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ ले सकते हैं, रोटी के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह दही बैंगन चटपटा और तीखी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे दोस्तों के बीच और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अंत में आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।